गाइस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल या जिप फाइल में वायरस है या नहीं। हम रोजाना इंटरनेट से बहुत से फाइल डाउनलोड करते हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि उस फाइल में वायरस है या नहीं। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल में आना है। गूगल में टाइप करना है www.virustotal.com। इसके बाद एंटर पर क्लिक करना है तो आपको आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसमें आप चूज फाइल पर क्लिक करें। अगर आप किसी फाइल को पता कर सकते हैं कि उसमें वायरस है या नहीं, तो आप यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास इस न्यू फोल्डर में दो फाइल है। अब हम इस दोनों को चेक करेंगे कि इसमें वायरस है या नहीं। पहले मैं इन पेज को चेक कर देता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ट्री आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें वायरस है। ये एक ट्रोजन नाम का वायरस है, trojan.win, और ये अस्टिमिस नाम का वायरस है। इसमें वायरस है, तो अब मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसको डिलीट करूँगा। तो अगर मैंने इसको इंस्टॉल किया तो वायरस मेरे कंप्यूटर में आ जाएंगे और मैं दूसरी फाइल को फाइंड करूंगा कि इसमें वायरस है या नहीं। तो मैं इसके बाद इसको बैक करूंगा और दूसरा फाइल चूज फाइल पर क्लिक करूंगा और इसमें वेज बैक एंड टाइपिंग ट्यूटर इसको ओपन करूंगा और इसको इसका पता लगाऊंगा कि इसमें वायरस है या नहीं। तो गाइज देखो यहाँ पर जीरो लिखा है, इसका मतलब है इसमें वायरस नहीं है। तो मैं अभी इसको इंस्टॉल भी कर सकता हूँ और इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। इसका मतलब इसमें वायरस नहीं है, यहाँ जीरो लिखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन दे दिए जाएंगे। Coming for the throne.